ओके सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे एंड भाई मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ऑसम ट्री लग रहा है। आप देख सकते हो इधर की साइड है भाई जामा मस्जिद की पेंटिंग जो कि मतलब पहले की है एंड लग रहा है मतलब इन्होंने ऐसा बना रखा है लड़ झगड़ के मर रहे हैं लोग। जैसे कि आप देख सकते हो इधर की साइड ये पता नहीं कौन सी मशीन बना रखी इन्होंने जो की बढ़िया लग रही है। टाइम मशीन नहीं लग रही है क्या? क्या आदम की मशीन? So, hey guys, तुम्हारा भाई चुके कैसे आप सब लोग आई हो गए बहुत ज्यादा मस्त होंगे। जैसे कि आज का जो व्लॉग होने वाला है ना आज हम जा रहे हैं ऐसे म्यूजियम में जो कि बहुत ज्यादा पेंटिंग वगैरह के लिए मशहूर है बहुत ज्यादा यूनिक है। तो भाई आज आप व्लॉग में ये देखने वाले हो एंड अगर आपने बैच आदमी ज्वाइन नहीं करी है ना तो आगे सब्सक्राइब करके फटाफट बैच आदमी में जुड़ जाओ और भाई आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। क्यों जल्दी सीधा आपको मुझे मिलते हैं म्यूजियम में लेट्स ओके सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भाई पे जहाँ पे हमें आना था हमारी लोकेशन पे एंड भाई यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें बताइए कितना ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा टाइम भाई बात दारी से कसम से पर फाइनली तुम्हारा भाई को लोकेशन मिली गई। सो भाई चलते हैं अंदर की साइड एंड देख सकते हो ऐसा है कुछ यहाँ से एंट्री करनी है फटाफट अंदर की साइड चलते हैं और आपको अंदर की साइड मिलते हैं लेट्स गो। फाइनली हम आ चुके हैं फाइनली अंदर की साइड एंड भाई अभी हमने एंट्री करी है वहाँ से और मैं आपको पहले बता दूँ अभी हम इधर की साइड है देख सकते हो ऐसी लोकेशन है कुछ अभी हम जाएंगे इसके अंदर एंड भाई देखते हैं अंदर की साइड क्या हुआ कैसे म्यूजियम है भाई। जब भी हम म्यूजियम में गए कैसा लगा भाई? मज़ेदार एकदम। मतलब हम गए थे इससे पहले कौन से वाले में गए थे म्यूजियम में? हम गए थे क्लिक आर्ट हाँ क्राफ्ट म्यूजियम में भाई वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। अभी हम देखते हैं अंदर की साइड कि ये भी कैसा होगा। आई होप ये भी बहुत ज़्यादा मस्त होगा। सो भाई चलते हैं आपको अंदर की साइड मिलते हैं लेट्स गो। सो भाई हम इधर की साइड थे एंड भाई हमें सबसे पहले क्या दिखा ये देख सकते हो भाई लड़ झगड़ के मर रहे हैं लोग जैसे कि आप देख सकते हो। कैसे लग रहा है मेरे को ये वाला पुतला? सही अबे तेज बोला करना हल्के क्यों बोलता है? ठीक ठाक ही है। अच्छा जैसे कि आप देख सकते हो इधर की साइड ये पता नहीं कौन सी मशीन बना रखी इन्होंने जो की बढ़िया लग रही है। टाइम मशीन नहीं लग रही है क्या? क्या आदम की मशीन? बाहर की साइड एंड भाई साहब कसम से म्यूजियम में कुछ था नहीं बस पेंटिंग तो बैम्बू से क्या क्या बना रखा है इसमें इसके ऊपर बैठ जाएगा मजा आ जाएगा एकदम एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई अंदर की साइड कैसे रास्ता जा रहा है एकदम ओ मटके ओ भाई साहब ये देख तो भाई मटके मटके लटका रखे हैं इधर की साइड एक ही रहा एक रहा कितना दी पुराने जमाने वाली फीलिंग आ रही है। उधर देख कितने सारे रखे हुए भाई जैसे कि आप देखते हो उधर की साइड भी कितने सारे मटके वगैरह रखे हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी हम ऊपर टावर बन रहा है लकड़ी का चलो वापस चलते हैं उधर की साइड देखते हैं इधर की साइड। अभी हमें कुछ इतना खास मिला नहीं बट कोई बात नहीं। सो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अंदर की साइड एंड भाई यहाँ पे बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं बट हमारा भाई बहुत बहुत तेजी से बना रहा है भाई एक सेकंड दिखाता हूँ कि देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बना रखी है सब बढ़िया तरीके से। तो भाई चलते हैं आपको आगे से मिलते हैं लेट्स गो। जा रहे हैं नीचे की साइड हम आ चुके हैं ऊपर की साइड से आ रहे थे किसी
चल जाता है इधर की साइड, डीजे की साइड देख सकते हो, पेंटिंग की पेंटिंग है भाई, पेंटिंग देख सकते हो कितनी ज्यादा सुंदर किसी लग रही है पेंटिंग है। सही है, ठीक ठाक है, पर इससे अच्छी ना बना लेंगे, सही बता रहा हूँ। देख सकते हो भाई नीचे की जा रहा रास्ता, इधर की साइड भाई हॉल सा बना रखा है उन्होंने, मतलब यहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग है अनलिमिटेड। तो भाई चलते हैं आपको आगे की साइड मिलते हैं, और भाई इधर की साइड हम चल रहे हैं, ये कुछ रास्ता है इतना तगड़ा सा, तो चलते हैं आपको आगे की साइड मिलते हैं। कितना ज़्यादा औसम लग रहा है पूरा एकदम भाई, एकदम जाला सा बना रखा है लकड़ी का, अभी हम जा रहे हैं। हाँ लोहे का किसी का भी है, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर की साइड। ओके सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे, एंड भाई मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ऑसम ट्री लग रहा है, ये देख सकते हो पूरा सिल्वर सा है, एंड भाई इस पे देख सकते हो दूध दूध की बाल्टियां लटकी हुई है और कुछ नहीं है, बाकी गिलास वगैरह बाकी, यार बड़ा यूनिक बनाया यार इन्होंने, दिखाता हूँ पास से आपको, ये देख सकते हो है ना कितना अच्छा लग रहा है यार, आर्ट वगैरह पास से देख सकते हो कितना ज्यादा चल, तेरे कैसे लगा वाला ठीक है ना, ठीक ठाक लगा, ये थोड़ा यूनिक इसमें गाइस फोटो वगैरह ना जो है बहुत ज्यादा ऑसम आने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो पास से दिखाता हूँ, देखो दूध की बाल्टी है रही और वो क्या, हाँ बाल्टी वगैरह अगर चाहिए तो यहाँ से ले आओ। गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो लाइट वगैरह जो रात रात में पड़ती है इस पर, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम लगती है, सुबह चलते हैं हम इस पर फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, लेट्स गो। पहले हम आ चुके हैं भाई साहब सब एक्सप्लोर करके, मतलब यहाँ पे बढ़िया था, एकदम बढ़िया तरह की से म्यूजियम था, एंड भाई यहाँ पे पेड़ वगैरह पे जो फोटो शूट हुई है बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई है, सिल्वर कलर का जो पेड़ था, एंड हमने सारी पेंटिंग वगैरह भी एक्सप्लोर करी, एंड तुझे कैसे लगा यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया, बढ़िया मतलब ज्यादा खास नहीं था, ठीक था, मतलब बढ़िया था गाइस, ये है घूमने की जगह बढ़िया तो है, सेट है, मतलब बढ़िया था। सुबह चलते हैं हम आपको आगे की साइड मिलते हैं, एंड गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, एंड जिसने भी बैश आर्मी ज्वाइन नहीं करी तो क्या करो, ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहे बैश आर्मी में।